इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिलें, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। ए हाय, वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मैं ए के एंड शालीमार गोट फार्म पे हूँ विद जैद भाई एंड सफदर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका ब्रीडर है, आप ब्रीडिंग सेटअप शुरू किया हो जी तो भाई। ब्रीडर बता रहे हैं राइट? जी भाई, ये हम लोग का अभी नया ब्रीडर लिए हम लोग ने, हाँ, जिसका नाम पारस रखे। पारस जी भाई, फुल इसकी वीडियो देखा मैंने, आपने डाला था ना? हाँ, एक अपने स्टेटस पे रखे थे, एक नॉर्मल न्यू एंट्री बोल के वीडियो बनाए थे इसकी। अच्छी, पूरा क्या खास बात है इसमें जो आपने इसको ब्रीडर चुना? इसकी खास बात ये फात भाई, क्या कोटा ब्रीड के अंदर अच्छे खासे बड़े कान है और कानों की थिकनेस भी बहुत अच्छी है और पूरा पिंक है बकरा। Okay. और गुलाबी में और मार्बल सिंग में इतने बड़े लेंथ, वेरी बिग इयर्स, लॉन्ग इयर्स, लॉन्ग लॉन्ग एंड ब्रॉड। कोटा में गुलाबी कान छोड़ दीजिए, छोड़ो सदर जी। हाँ, कोटा ब्रीड के अंदर गुलाबी में अक्सरियत तो आपको छोटे कानों में बकरे देखने मिलेंगे, तो इसका यूनिकनेस वही है, क्या पूरा लंबे कान में गुलाबी कान है। तो इसके साथ कौन सी बकरियां चला रहे हो, कानूनी क्या वो भी गुलाबी है? नहीं भाई, अपन मिक्स बकरे अपने कोटा की जो आती है ब्लैक, वही क्रॉस कर रहे हैं। कितना दिन हो गया अभी इसको लाके? एक महीने के आसपास, 20 दिन के आसपास। अभी तो टाइम है, रिजल्ट अभी अल्हम्दुलिल्लाह 5 बकरी क्रॉस कर दिया है इसने अपने पास में। ओके। रिजल्ट इंशाल्लाह अभी देखो 5 महीने के बाद ही समझ में आएगा। अच्छा, ये आपने बांध के रखे, कुछ दिक्कत नहीं है सिंगविंग डैमेज कर लेगा? नहीं, बहुत नहीं, एक बहुत एग्रेसिव है और एक्चुअल में अभी अपन सब आ गए ना इधर उसके सामने, तो थोड़ा सा एग्रेशन दिखाता है बकरा। पूरा दांत किया जी भाई? पूरे दांत पर है। कितना वजन पे अभी चढ़ रहा है? अभी 85-90 kg के आसपास है। अच्छा, बोलते हैं ब्रीडिंग कराते तो वजन तोड़ लेता है बकरा। नहीं, ये तो भाई हमारे नजर में एक बहुत फॉल्स एलिगेशन है। ये बकरा जहाँ से हमने लिए फिर इधर लाए ना, तो ये बकरे केजेस में था और अल्हम्दुलिल्लाह अपने आके फिर ब्रीडिंग में बकरियों में रखे, पहले अपने पास में भी केजेस में रखे तो खाता नहीं था बकरा। ओके। फिर बकरियों में जब ब्रीडिंग के लिए रखे बकरा, हाँ, तो माशाल्लाह ऐसा खाता है और खाने पीने में बहुत ज्यादा फास्ट हो गया बकरा माशाल्लाह। तो यानी ये गलत बात है कि भाई ब्रीडिंग से? नहीं देखो फात भाई, अभी इसके पहले भी हमारे पास में एक ब्रीडर था, हाँ, जो इसके पहले की ब्रीड किया, उसके पहले भी एक बकरा था ब्रीडर, तो जनरली हम लोग ने ये चीज मार्क की है कि बकरा क्रॉसिंग के बाद और अच्छा खुल गया, और अच्छा खुल गया, लेकिन इनका अग्रेशन कम नहीं होता है। अग्रेशन कम नहीं होता, ब्रीड वैसी, लेकिन क्या एकदम फ्रस्ट्रेशन में सिंगविंग तोड़ेगा नहीं है ना? ओके? नहीं देखो कैसा है, हाँ, उतना कंट्रोल करना, हाँ, पड़ता है एग्रेशन में, फिर वो कहाँ पे भी हो जाएगा, हाँ, ठंडा हो जाए। एक्चुअल में कोटा का हम लोग को जो प्रिंसिपल समझ में आया नफात भाई कि इनको ज्यादा छेड़ो मत। Okay. इनको इनके नेचुरल तरीके से छोड़ दो, जैसे अभी अपन वीडियो बना रहे, uh-huh, तो थोड़ा सा उसका एग्रेशन बढ़ रहा है। Okay. अगर अपन दूर रहेंगे, इनसे डिस्टेंस रखेंगे, uh-huh, इनके पास सिर्फ खाने पीने के लिए इनके पास जाएंगे, uh-huh, तो ये शांत रहेंगे, लेकिन आके फिर छेड़े मारे उसको आगे पीछे से, तो फिर वो एग्रेसिव होते जाते हैं। तो क्या प्लान है, इसको रखना है कि देना है? नहीं 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 भाई, ये तो नहीं भाई, और बकरियां बाकी है और इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छे, मतलब जंगल से भी इसका जो बोलेंगे इसका ब्रीड लाइन बहुत स्ट्रांग है और इंशाल्लाह इसको ब्रीड करेंगे जब तक के सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स हमारे को नहीं मिलते। लेकिन आपके पास इससे भी लंबे कान वाले हैं बच्चे? है ना भाई, बहुत नायाब कलेक्शन तो है। बच्चे का वेट नहीं कर रहे, वो बड़ा हो जाए तभी? नहीं, अभी वो तो छोटे बच्चे है ना फात भाई, बकरियां तो अपनी बड़ी है। ओके। तो उसके लिए अपने को पैरेलल, और हम लोग का ऐसा है कि हर ब्रीड में हम लोग मेल चेंज करते, हर ब्रीड को डिफरेंट मेल से ब्रीड करेंगे। ओके ओके। नाम रखे इसका पारस, पारस नाम रखे, पारस नाम है, ब्यूटीफुल गोट। 37 होगी हाइट? 37 होगी हाइट, होगी अप्रोक्सीमेटली 90 किलो होना चाहिए, 85-90 kg के बीच में आएगा। 90, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। कोई बकरी ला के रख सकता है यहाँ पे खुद की पालने के पलाई के लिए? यस, पलाई के लिए, और वो बोलेगा भाई हमारे बकरी को ना इसे ब्रीड कराओ। देखो होपफुली ये सब तो प्लान नहीं किए थे, लेकिन अगर चाहते तो इंशाल्लाह कर देंगे। पर इंशाल्लाह एफएसए के थ्रू आता है, एफएसए के थ्रू अगर कोई कस्टमर आता है हमारे ब्रीडर से ब्रीड करके बकरी पलाई पे रखना चाहता है, तो इंशाल्लाह अपने करेंगे, लेकिन आपका रेफरेंस अगर उसमें रहा तो ठीक है। वैसे आपको कोई नुकसान तो नहीं है अगर नहीं भी आता है एफएसए के थ्रू? यू हैव नथिंग टू लूज ना? नथिंग टू लूज है, सही बात है, लेकिन हम लोग को अच्छा फील होगा कि आपके चैनल के थ्रू हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।